हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम थर्टी फर्स्ट डिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यहां पर फर्स्ट न्यूज है तिब्बतन पार्लियामेंट इन एक्साइल ने डेली में एक डिनर होस्ट किया था और उसमें इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस ने अटेंड किया जिसकी वजह से यहाँ पर, पर चाइना ने कंसन जताया जो इंडिया है वो यहाँ पर तिब्बतन इंडिपेंडेंस फोर्सेज को सपोर्ट ना करें तो वीक आफ्टर अ ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस पर इंक्लूडिंग यूनियन एम राजीव चंद्रशेखर अटेंडेड अ डिनर रिसेप्शन होस्टेड बाई तिब्बतन पार्लियामेंट इन एक्साइल द चाइनीज एम्बेसी इन हैज एम्बे कंसर्न ओवर पार्टिसिपेशन एंड आज टू रिफ्रेंड फ्रॉम प्रोवाइडिंग टू दिपन इंडिपेंडेंस फोर्सेस अब दो में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि कोई भी सीनियर लीडर्स ऐसा कोई भी इवेंट अटेंड ना करे जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बायलेट्रल रिलेश के ऊपर इंपैक्ट पड़े तो लेटर कम्स ऑलमोस्ट फोर ईयर्स आफ्टर द गवर्मेंट हेड आर सीरियर लीडर्स एंड गवर्मेंट फंक्शन दिस टू नॉट अटेंड द इवेंट्स ऑर्गेनाइज वाई द बथन इन इंडिया साइटिंग बाइलेटल टाइम्स अब उसके बाद ईवेंट्स देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया चाइना स्टैंड अपना हुआ है जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश में नेम चेंज कर रहा है बॉर्डर के अर्रॉस यहाँ पर विजेस बना रहा है तो इंडिया भी यहाँ पर रिटालियट तो ऑफकोर्स करेगा ही आगे आप चलते हैं बाकी फर्स्ट पेज पर यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं कोविड कर बढ़ रहा है ये हमें पता है बाकी ये भी नहीं पढ़ेंगे रिमार्क्स अगेंस्ट महात्मा और कॉर्बेट टाइगर सफारी यहाँ पर बन रहा है ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं यहाँ पर स्टेम मेंटरशिप को बढ़ावा दिया गया है कि विमेन को साइंस के करियर के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए तो एक ये एज्जाम्पल हो सकता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेली थर्सडे लॉन्च द स्टैम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर क्लास इलेवन गर्ल्स वहां पर क्लास इलेवन से कुछ गर्ल्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उनको मेंटरशिप देंगे यहाँ पर आई आई के प्रोफेसर तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम डिजाइन फॉर क्लास इलेवन गर्ल स्टूडेंट्स आर टू ट्रेन यंग स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट साइंस एंड इनोवेशन तो यहाँ पर गर्ल्स को मोटिवेट किया जाए कि यहाँ पर वो साइंस को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करें जिसके लिए ये एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो फॉर द प्रोग्राम टेन गर्ल्स फ्रॉम वेरियस केंद्रीय विद्यालय इन द सिटी हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर नाउ और उसके बाद इनको यहाँ पर जो आई आई टी के मेंटर्स हैं वो इनको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे ताकि इनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बने इस टाइम के फील्ड्स में चाइना नाउ रेजर्स हीट ऑन अरुणाचल अब चाइना ने क्या किया है अरुणाचल प्रदेश में पंद्रह साइट्स के नाम बदल के पंद्रह साइट्स के नाम अपनी चाइनीज फॉर्म में बताए हैं तो अ डे आफ्टर चाइना अनाउंस इट्स ओन स्टैंडरइज नेम्स फॉर फिफ्टीन मोर प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश अब चाइना क्लेम करता है जो अरुणाचल प्रदेश है वो साउथ तिब्बत का पार्ट है इसीलिए चाइना का पार्ट है डेली डिरेक्टर शार्पली द स्टेट इज एन इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया लेकिन डेली ने बोला ये जो अरुणाचल प्रदेश है इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया है अब चाइना का ये कहना है जो अरुणाचल प्रदेश है उसका चाइनीज नाम है जंगनान जो कि बेसिकली चाइना बोलता है ये जंगनान प्रोविंस है चाइना की द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट कवर्ड्स थ्री फोर एटेड किलोमीटर लॉन्ग एल ए सी तो यहाँ पर चाइना के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो तीन हज़ार चार सौ अट्ठासी किलोमीटर का है और इसके अलावा अगर इंडिया के कोई भी टॉप इंडियन लीडरशिप अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो चाइना उसका विरोध करता है तो इन बेजिंग रेगुलरली प्रोटेस्ट विजिट्स ऑफ तो टॉप इंडियन लीडर्स एंड ऑफिशियल टुनाचल तो प्रदेश टू तो री एफॉर्म इट्स क्लेम चाइना एसाइनिंग नेम्स ऑफ प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश इस पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी टू री इट्रेट टेरिटोरियल क्लेम्स विद इंडिया जो चाइना है इन क्लेम्स को बार बार री इट्रेट करता है इन द पास्ट बीजिंग ऑलवेज़ ऑब्जेक्टेड तो टू विजिट्स बाई इंडियन लीडर्स प्रेसिडेंट्स इसके अलावा कुछ टाइम पहले इंडिया के प्रेसिडेंट भी गए थे अरुणाचल प्रदेश में तो चाइना ने उसका प्रोटेस्ट किया था इन रीसेंट मंथ देर आर रिपोर्ट्स ऑफ चाइना स्टैब्लिशिंग विजेज अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आस यहाँ पर जो चाइना है वो विजेज बना रहा है द नेमिंग इज पार्ट ऑफ कंट्रीज एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच तो ये नेमिंग भी उसी का पार्ट है चाइना की स्ट्रैटेजी का कि वो वापस से अपने रीक्लेम को और ज़्यादा री करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर आगे चलते हैं द सेंटर ऑन थर्सडे नोटिफाइड मॉनिटरिक जूरिस्डिक्शन अब यहाँ पर जो कंज्यूमर कमीशन है उसके मॉनिटरिक जूरिस्डिक्शन को नोटिफाई किया गया है जिसमें यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसका जूरिस्डिक्शन उतना ही होगा जहाँ पर कंप्लेंट्स जो, जो है वो पचास लाख तक किए हैं जो 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 स्टेट कमीशन है उसका जूरिस्टिक्शन होगा जहाँ पर गुड्स ऑफ सर्विसेज की वैल्यू जो है वो पचास लाख से दो करोड़ तक की है और नेशनल कमीशन का जूरिस्टिक्शन तब होगा जब यहाँ पर जो वैलू है गुड्स ऑफ सर्विसेज़ की वो यहाँ पर दो करोड़ से ज़्यादा की है तो एज पर एग्जिस्टिंग प्रोविजन अगर पहले था तो पहले जो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर मॉनिटरी जूरिस्डिक्शन था लेकिन उसको थोड़ा कम किया गया है वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड रुपीज़ वन करोड़ तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जूरिस्डिक्शन थी एक करोड़ तक की वैल्यू की थी स्टेट कमीशन के पास एक करोड़ से दस करोड़ तक की थी और नेशनल कमीशन के पास दस करोड़ से ऊपर तक की थी लेकिन अब इसको यहाँ पर कम कर दिया गया है और पचास लाख तक की यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जूरिस्ट है और पचास लाख से दो करोड़ तक यहाँ पर स्टेट कमीशन के पास और दो करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर नेशनल कमीशन के पास है आगे चलते हैं सेंटर एक्सटेंड्स आफ्सा फॉर सिक्स मोर मंथ्स अब नागालैंड में आपसपा को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है इसके अलावा सेंटर ने एक कमेटी भी बनाई है जिसको यहाँ पर विवेक जोशी हेड कर रहे हैं और ये अब अप कमेटी अपनी रिपोर्ट पैंतालीस दिन में सबमिट करेगी कि अब विदड्रा को क्या यहाँ पर आपसपा को विद्रा कर देना चाहिए नागालैंड से तो ईवन एज इट सेट अप अ कमिटी टू लुक इन टू डिमांड फॉर रिमूवल ऑफ द आर्म फोर्सेज स्पेशल पॉर्स एक्ट फ्राम नागालण द सेंटर ऑन थर्सडे एक्सटेंडेडेड द इपोजिशन ऑफ द लॉ इन द स्टेट बाई स मंथ्स तो यहाँ पर छह महीने के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया अब जो आफ्सा एक्ट है उसमें एक बार में छः महीने तक के लिए ही लगाया जा सकता है आफ्बा कैन भी इंपोज इन एन एरिया और रीजन फॉर सिक्स मंथ एट अ टाइम उसके बाद अगर गवर्नमेंट को जरूरी लगता है तो गवर्नमेंट और ज्यादा एक्सटेंड कर सकती है लेकिन एट आ स्ट्रेच सिर्फ यहाँ पर छह महीने के लिए ही लगाया जाता है सेक्शन थ्री के अंदर किसी भी एरिया को यहां पर डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है तो सेक्शन थ्री ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट नाइन एट द सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाई डिक्लेयर दट हो विवेक जोशी उस कमेटी को हेड करेंगे विद्रॉ कर देना चाहिए अब पर को अगर लाया, लगाया जाता है, हटाया जाता है तो जो सेंटर है वो यहाँ पर कंसल्टेशन करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसके अलावा आर्म्ड फोर्स के साथ और सेंट्रल एजेंसीज के साथ आगे हम चलते हैं गवर्नमेंट फाइनलाइजिंग सिस्टम टू एक्सटेंड राशन टू ऑल होमलेस पीपल तो जिनके पास यहाँ पर राशन कार्ड नहीं है उनको भी यहाँ पर राशन प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम बना रही है, तो गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम टू प्रोवाइड राशन टू ऑल होमलेस पीपल हु डू नॉट कार्ड्स होल सिस्टम इज बेसिकली टू कैप्चर ऑल होमलेस शेल्टरलेस इंस्टीट्यूट हु माइट नॉट हैव राशन कार्ड या तो लैक ऑफ आइडेंटिटी की वजह से उनके पास राशन कार्ड नहीं है जिसके बाद यहाँ पर एक सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर होमलेस पीपल जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है उनको भी यहाँ पर राशन प्रोवाइड कराया जाएगा इसके अलावा जो स्टेट्स हैं वो भी फूड ग्रेन्स ले सकते हैं फॉर नॉन एन एफ एस ए कार्ड होल्डर्स अंडर द सेंटर्स ओपन मार्केट सेल स्कीम तो सेंटर की जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है उससे भी यहाँ पर जो स्टेट है वो ग्रीन खरीद सकता है ऐसे लोगों को ग्रेन्स प्रोवाइड कराने के लिए जिनके पास यहाँ पर राशन कार्ड नहीं है अब यहाँ पर जो फॉर्मर यूजीसी वाइस चेयरमैन उनका यह कहना है कि जो भी यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट होता है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी की ऑटोनमी बनी रहे तो एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हर स्टेट गवर्नमेंट के पास डिफरेंट लेजिलेशन हैं फॉर द अपॉइंटमेंट तो एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस इन अपॉइंटमेंट्स ऑफ एकेडमिक लीडरशिप पोजीशंस कैन हैव अ लॉन्ग टर्म डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन द होल एजुकेशन सिस्टम इसीलिए इनका एक ये भी कहना है कि एक नेशनल मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट आना चाहिए भले यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट सब्जेक्ट है सॉरी एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसके लिए एक मॉडल एक्ट तैयार कर देना चाहिए सेंटर को जो स्टेट है वो उस एक्ट के बेसिस पे जो पर जो मॉडल यहाँ पर एक्ट बनेगा उसके बेसिस पर अपने लेजिसलेशन बनाएँ आगे चलते हैं आउट ऑफ लाइन अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन कमीशन ने बताया था कि यहाँ पर जो सात सीट्स हैं वो कैसे कैसे यहाँ पर दी जाएंगी अब यहाँ पर ऑथर ने यही बताया कि डीलिमिटेशन कमीशन के बनने से पहले ही यहाँ पर लेजिसलेटिव कॉम्पिटेंस के चलते ये डिसाइड कर दिया गया था कि जो डिलिमिटेशन होगा वो दो हजार ग्यारह के सेंसस पे बेसिस पे होगा और यहाँ पर सात सीट्स बढ़ाई जाएंगी तो ये जो डिसीजन था लेने का कि यहाँ पर सात सीट्स बढ़ाई जाएंगी या फिर दो हज़ार ग्यारह के सेंसस पे होगा ये काम डिलिमिटेशन कमीशन का होता है लेकिन ये कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट दो हज़ार उन्नीस के द्वारा ही तो इवन बिफोर द डिलिमिटेशन कमीशन हेडेड बाई जस्टिस रंजना देसाई वॉस कॉन्स्टिट्यूटेड तो यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन के लिए जो हेड कर रही थी जस्टिस रंजना देसाई उनका जोरिस्टेशन तो पहले ही कटिल कर दिया गया क्योंकि जो दो इंपॉर्टेंट डिसीजन थे वो तो यहाँ पर डिलीज नंबर री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू ही पर जो है, वो से कर दी थी। और इस में ही ये लिख दिया था कि दो हजार ग्यारह का सेंसस यूज करके यूनियन गवर्नमेंट ऑलसो प्री डिटर्माइंड ऑफ द री ऑर्गेनाइजेशन एक्टी नाइन स्टिपुलेट दिलवन बेसिस

बाई डूइंग सो द यूनियन गवर्नमेंट हेज रेड एंड रफ शॉर्ट ओवर डिलिटेशन कमिशन तो अब ऑथर का यही कहना है यूनियन गवर्मेंट ने क्या किया डिलिमिटेशन कमशन को ओवर राइड कर दिया है विच इज दोलोगेट टू डिस ऑन बोथ दीज मैट तो डीलिमिटेशन कमीशन को डिसाइड करना था कि कौन सा से सेंस यूज करना है कितनी सीट्स बढ़ानी है लेकिन ये पहले यहां पर जो यूनियन गवर्मेंट है उसने डिसाइड कर दिया था थ्रू द लेजिस्टिव फी एक्ट एज अ स्पेल्ट आउट क्लॉज एट बी ऑफ द डी लिमिमिटेशन एक्ट ऑफ टू थाउंड टू मैंडट्स एंड पावर्स ऑफिटेशन कमीशन टू डिस ऑन द टोल नंबर ऑफ सीट्स तो यहाँ पर कितनी सीट्स होनी चाहिए ये भी यहाँ पर डीलिमिटेशन कमीशन को डिसाइड करना था लेकिन ये भी लेजिस्टिव फी एक्ट के द्वारा यहां पर डिसाइड कर दिया गया अब उसके बाद यहां पर जो सात सीट्स बढ़ाई गई थी उसमें यहां पर छह जम्मू को दी गई हैं और एक एडिशनल कश्मीर को दी गई है और बाकी यहां पर 24 सीट्स रिजर्व की गई हैं फॉर द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अब अकॉर्डिंग टू तो द ऑथर ऐसे कुछ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जम्मू है उसका रिप्रेजेंटेशन कम है कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है लेकिन ऑथर ने यहाँ पर फैक्ट्स प्रेजेंट किए कि ऐसा कुछ नहीं है तो जम्मू विद अ फोर्टी थ्री परसेंट पॉपुलेशन शेयर हैड ऑफ फोर्टी थ्री परसेंट शेयर इन द लेजस्लेटिविवि असेंबली लेकिन जो कश्मीर है उसके पास फिफ्टी फाइव परसेंट पॉपुलेशन शेयर है लेकिन सिर्फ फिफ्टी थ्री परसेंट उसका सीट सीट शेयर है द एलोकेशन प्रोपोज बाय द कमीशन अब डिलमिटेशन कमीशन ने जो एलोकेशन किया उससे फोर्टी सेवन परसेंट जो सीट्स हैं जम्मू को दी जा रही हैं लेकिन सिर्फ फोर्टी फोर परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ये जम्मू की द वर्स इज़ दिस इज दैट फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ़ द पॉपुलेशन लिविंग इन कश्मीर और यहाँ पर जो फिफ्टी सिक्स परसेंट कश्मीर कश्मीर की पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर सिर्फ फिफ्टी टू परसेंट रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है बाकी यहाँ पर ऑथर ने एक ये भी बात बोली कि गैरी मैंडरिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज की, की जा रही है गैरी मैंडरिंग का मतलब ये है कि ऐसे डिमार्केशन करना कि जिसकी वजह से जो आपको अपोजिशन हो उसको यहाँ पर हर्ट हो या फिर आपको ज़्यादा फायदा हो जाए तो फॉर द गैरी मैंडरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंस तो ऐसे डिवाइड करना कॉन्स्टिट्यूंसीज को ताकि यहाँ पर जो पार्टी है उसको ज़्यादा फायदा हो जाए या जो गवर्नमेंट है वो अपने फ़ायदे के चलते डिमार्केशन ऐसे करा रही कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का कि उसको यहाँ पर ज़्यादा वोट मिले और उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाए तो गैरी मैडरिंग ऑफ कॉन्स्टिटुंस का भी यहाँ पर एलिगेशन लगाया गया है आगे अब चलते हैं लैप टू पीपल अब यहाँ पर मेनली जो वैक्सीन दी जा रही है वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही दी जा रही है बाकी यहाँ पर बहुत सारी जो वैक्सीन हैं उनको यहाँ पर इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन मिल चुका है इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल मिल चुका है जैसे कि यहाँ पर मौनो पैरावी जो कि यहाँ पर मर्क की कोविड नाइन्टीन पहले उसको यहाँ पर इंडिया ने इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दे दिया इसके अलावा बायोलॉजिकल ई की कोर्वोवैक्स को यहाँ पर इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दे दिया कोवोवैक्स जो कि यहाँ पर मैनुफेक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको भी यहाँ पर अप्रूवल दे दिया लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सिन ही लोगों को दी जा रही है तो जरूरत यही है कि बाकी सारी जो वैक्सीन है उनका भी प्रोडक्शन बढ़ाया जाए तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही डेमोक्रेसीज वर्क इन प्रोग्रेस तो यहाँ पर ताइवान ने अपनी तरफ से आर्टिकल लिखा है तो वो भी हम देख लेते हैं तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी समिट यू ने कराई थी तो उसने यहाँ पर ताइवान को भी इन्वाइट किया था तो समिट वॉज ड्रिवन बाई द आइडिया दट इन फेस ऑफ पॉपुलिज्म ऑथोटेरियनजम एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम लूमिंग लार्ज इट इज क्रिटिकल टू कीप द डेमोक्रेटिक फ्लॉक टुगेदर अब यहाँ पर यूएसए का यही था कि डेमोक्रेटिक फ्लॉ को एक साथ रखने की जरूरत है और फैसिजम से लड़ने के लिए या तो या तो फिर अथोरिटेरिजम से लड़ने के लिए डेमोक्रेसी को साथ आने की जरूरत है बाकी और भी ग्लोबल चैलेंजेस है जैसे कि क्लाइमेट चेंज पैंडमिक इन सबसे डील करने के लिए सारे कंट्रीज को कोलेबोरेट करने की जरूरत है तो डिस्पाइट देयर अपर फ्लॉज एंड क्रिटिसिज्म सी है अड मच बेटर देन अदर्स इन डीलिंग विद द पेंडेमिक और यहाँ पर ताइवान ने सबकी कितनी हेल्प की ये सब बताया गया है तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे आगे हम चलते हैं तो वायरसेस एंड गेम अब यहाँ पर जो वायरस है कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन केस जीरो होंगे जो वायरस है वो अपनी फॉर्म्स को बदलता रहता है तो ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी कितनी डेवलप हो रही है लोगों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कितने कम हो रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड होगा कि वायरस का लोड कैसे कम होगा तो इन द पास्ट वन थर्टी ईयर्स रेस्परेट्री पेंडेमिक्स बीन फॉलोड बाई एनुअल सीजनल वेव्स तो हमेशा वेव्स आती रहती हैं पहली बार वेव्स का टर्म यहाँ पर रेफर करने के लिए रशियन फ्लू पेंडेमिक को यूज़ किया गया था एटीन में जब यहाँ पर वेव्स टर्म रेफ़र किया गया था रेस्पिरेटिव पेंडेमिक के लिए द स्पेनिश फ्लू ऑफ नाइनटीन एटीन ट्वेंटी अगर स्पेनिश फ्लू को देखें तो आज भी एक्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एच वन एन वन तो ऑल्सो द पेंडेमिक सब्साइडेड द वायरस डेंट गो अवे अ डिसेंडेंट ऑफ स्पेनिश फ्लू वायरस द कंटेप्ररी एच वन एन वन इज सर्कुलेटिंग इवन टू तो वायरस म्यूटेटेड फॉर्म में रहता ही रहता है थर्ड फैक्टर दैट इन्फ्लूस डिसीज स्प्रेड इज द लेवल ऑफ इम्यूनिटी इन द कम्यूनिटी तो बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी कितनी है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कितने कम हो रहे हैं उसके बेसिस पर ये डिसाइड हो सकता है कि जो वायरल लोड है वो सब्साइड कब होगा लेकिन वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है सार्स यू वी टू विल मोस्ट लाइकली बिकम एंडेमिक एंड कंटिन्यू टू सर्कुलेट तो यहाँ पर जो सार्स यू वी टू है वो यहाँ पर एंडेमिक बन जाएगा लेकिन सर्कुलेट होता रहेगा विद अ पॉपुलेशन टू अ सज़नल पैटर्न सीजनल पैटर्न में आएगा भले ही सीवियरिटी कम हो लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट करता रहेगा कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा कि जजन केसेज यहाँ पर जीरो हो जाए आगे चलते हैं यहाँ पर ऑथर ने बोला कि एम एस पी दी जानी चाहिए अब एम एस पी क्यों दी जानी चाहिए तो ऑथर ने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी दिया है तो वो भी हम देख लेते हैं तो एम एस पी बेसिकली ये होता है कि इससे कम प्राइस पे तो जो फार्मर है उसको कहीं भी बेचने को नहीं मिलेगा अगर उससे उसको इससे कम प्राइस पर बेचना पड़ रहा है तो वो जाके यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर बेच सकता है अब यहाँ पर ऑचर ने बोला है कि पूरा जो प्रोडक्शन है उसको तो बेचना भी नहीं होता क्योंकि जो फिफ्टी परसेंट वो फार्मर्स है वो अपने ओन कंजन के लिए उसको यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं तो एडिंग ऑल द ट्वेंटी थ्री एम एस पी क्रॉप गिव द सेम फिगर दिस इज गवर्नमेंट डेटा इन सिंपल मैथ बट ऑल ऑफ द प्रोड्यूस नॉट मार्केटेड और सोल्ड द पॉपुलेशन ऑफ फार्मर्स इंक्लूडिंग द इज अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ द कंट्री तो फिफ्टी परसेंट जो कंट्री है वो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्शन के लिए तो अपने पास ही रखेंगे तो उसको तो वैसे भी मार्केट में नहीं बेच रहे तो वो तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एमएसपी भी खरीदना ही नहीं है फिर यहाँ पर अबाउट रुपीज फोर लाख करोड़ वर्थ ऑफ द ट्वेंटी थ्री एम एप कंज्यूम्ड इन दिस मैनर फिर यहाँ पर जो चार लाख करोड़ वर्थ ऑफ एम की जो बात की गई थी वो तो यहाँ पर जो फार्मर्स है वो खुद ही कंज्यूम कर ले रहे हैं उसको तो वो मार्केट में ही नहीं जा रहे फिर यहाँ पर आठ लाख बचा जो कि एक्चुअली मार्केट होता है एट द जिसकी बात की जा रही है यहाँ पर फार्मर्स को कि आठ लाख रुपये एम दिया जाना चाहिए इसमें भी आठ लाख करोड़ में से जो चार लाख करोड़ है वो तो यहाँ पर जो सरकार है वो एम एस पी पर खरीद ही है तो इफ़ वी लुक एट द डेटा फॉर द गर्वन परचेज ऑफ दिस ट्वेंटी थ्री क्रॉप्स इंक्लूडिंग शुगर के द अमाउंट कम्स टू अबाउट रुपीज़ फोर लाख करोड़ तो यहाँ पर बात की जा रही बाकी चार लाख करोड़ की जो कि यहाँ पर प्राइवेट खरीदता है और उसको भी यहाँ पर फोर्स किया जाए कि वो भी यहाँ पर एम रेट पर खरीदे अब जो प्राइवेट है वो कितने रेट पर खरीदता है वो यहाँ पर एमएसपी से लगभग पच्चीस कम रेट पर खरीदता है मतलब तीन लाख करोड़ तो वो भी खर्च कर रहा है तो यहाँ पर सिर्फ जो एक लाख करोड़ है उसके लिए एमएसपी इंश्योर करने की बात की जा रही है कि प्राइवेट्स को यहाँ पर नच किया जाए कि वो भी यहाँ पर एम के प्राइस पर दें जिसको जिससे उनको एक लाख करोड़ और ज़्यादा देना पड़ेगा तो यहाँ पर जो बात की जा रही है सिर्फ एक लाख करोड़ ही और ज़्यादा खर्च होगा अकॉर्डिंग टू द ऑथर तो बाई गिविंग लीगल स्टेटस टू एम एस पी दिस एक्स्ट्रा रुपीज़ वन लाख करोड़ विथ फ्लो फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द फार्मर्स हु विल स्पेंड इट एंड क्रिएट मोर डिमांड इन द इकॉनमी और इसकी वजह से अगर सब पे ही यहाँ पर हर क्रॉप के ऊपर यहाँ पर एमएसपी मिलने लगेगा तो यहाँ पर जो फार्मर्स है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे तो अभी तो सिर्फ पैडी के ऊपर ही ज़्यादातर एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होता है या वीट के ऊपर ही होता है लेकिन अगर हर क्रॉप के ऊपर एमएसपी मिलने लगेगा तो जो फार्मर्स है वो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे So the would also come out from under paddy, तो द कंट्री वुड ऑल्सो कम आउट फ्रॉम अंडर सर्कुलस पैड तो यहाँ पर जो पेडी की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता वीट का होता शुगर केन का होता तो उससे हम बाहर आएंगे और यहाँ पर जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स है उससे हम ऊपर उठेंगे ताकि जो वाटर का एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पर कम हो सके द कंट्री शुड ऑल्सो बिकम सेल्फ सफिशेंट एंड एडेबल ऑल्स इन पर्सेस क्योंकि इनके ऊपर भी फिर एम एस लगेगा तो आई होप आपको समझ आ रहा है, है कि ऑथर क्या कह रहे हैं ऑर्थर ये कह रहे हैं कि जो फिफ्टी परसेंट प्रोडक्शन है वो तो मार्केट में जाता ही नहीं है क्योंकि वो फार्मर्स अपने कंजम्पन के लिए रख लेते हैं बाकी यहाँ पर आठ लाख करोड़ बचा तो चार लाख करोड़ तो अभी भी प्रोकर किया ही जा रहा है तो बचा चार लाख करोड़ तो बचे हुआ जो चार लाख करोड़ उसमें यहाँ पर जो प्राइवेट है वो लगभग पच्चीस परसेंट कम प्राइस पर खरीदा है मतलब तीन लाख करोड़ यहाँ पर प्राइवेट खर्च कर रहा है तो सिर्फ एक लाख करोड़ और देने की बात की जा रही है जिसके लिए यहाँ पर एम इंश्योर करने की बात की जा रही है जो कि किया जा सकता है द ट्वेंटी थ्री एम एस पी क्रॉप्स कंसिस्ट ऑफ स्टेटल सीरियल पल्स ऑयल सीर इन अ फ्यू कैश क्रॉप्स अब यहाँ पर जो ट्वेंटी थ्री एम एस पी क्रॉप्स हैं उसमें स्टेपल सीरियल्स हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि जो कंट्री है हमारा जो इंडिया है उसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है तो हमें स्टेपल क्रॉप्स की जरूरत है सम इकानमिट आर्गू दैट द एम एस पी ए लीगली इन्फोस्ड अब कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना कि अगर एम एस पी को लीगली इन्फोर्स कर देगा तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्रॉप्स को खरीदेगा ही नहीं और सारे क्रॉप्स यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को ख़रीदने पड़ेंगे लेकिन ऐसा नहीं है जो शुगर केन प्राइजेज है वो भी तो यहाँ पर गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है लेकिन प्राइवेट मिल्स खरीदते हैं ना तो शुगर केन प्राइजेस आर प्रेसक्राइब बाय द गवर्नमेंट बट प्राइवेट मिल्स हैव नॉट स्टॉप देयर प्रोक्योरमेंट एंड हैव इंडस्ट्रीज क्लोज ड्यू टू मिनिमम वेजेज एक्ट तो ऐसा नहीं है अगर यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी और यहाँ पर प्राइवेट को नच किया जाएगा कि आप खरीदो एम एस पी पे तो ऑफकोर्स वो खरीदेंगे यहाँ पर बाकी यहाँ पर प्राइवेट को कुछ इंसेंटिव दिए जा सकते हैं अब यहाँ पर साहित्य अकादमी अवार्ड दिए गए हैं इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया गया है जो कि यहाँ पर बुक है थिंग्स टू लीव बिहंड गोखले सेस तो यहाँ पर गोखले को दिया गया है थिंग्स टू लीव बिहड किताब के लिए अब ये जो थिंग्स टू लीव बिहड ये किसके ऊपर फोकस करती है तो कमाऊ रीजन के ऊपर फोकसती है एटीन फोर्टी से नाइनटीन ट्वेल्व के टाइम पीरियड में तो इट लुक्स एट कॉलोनल हिस्ट्री फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ द कॉलोनाज इन द कमाउ तो तमिल फेमनिस्ट राइटर अंबाई कन्नड़ बायोग्राफर डी एस नागाभूषण तेलुगु पोइट गोहरिति वेना कर्ण एंड इंग्लिश ऑथर नमिता गोखले तो इन सबको यहाँ पर मिला है साहित्य अकेडमी अवॉर्ड्स और ये यहाँ पर बीस लैंग्वेजेजे में मिलता है और इंग्लिश की बुक के लिए जो मिला है वो थिंग्स टू तो लीव बिहाइंड जो कि यहाँ पर कुमायू रीजन के ऊपर फोकस करती है आगे हम चलते गुड़गांव को बनाया जाएगा ऑन द लाइन्स ऑफ दुबई मॉडल अब दुबई मॉडल कैसा है वो भी देख लेते हैं तो दुबई बिजनेस बे इज़ अ हॉट स्पॉट ऑफ रेजिडेंशियल एंड हॉस्पिटलिटी हाई राइजेज़ तो वहाँ पर रेजिडेंशियल भी हॉस्पिटलिटी हाई राइजेज़ सब कुछ एक ही एरिया में है बाकी यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स है कमर्शियल बिल्डिंग्स है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज है यहाँ पर पचास से सौ एकड़ यहाँ पर डेवलप किया जाएगा तो ग्लोबल सिटी इज कमिंग अप एट द जंक्शन ऑफ द पटौती रोड एंड द्वारका एक्सप्रेस तो यहाँ पर दुबई लाइन्स के ऊपर डेवलप किया जाएगा गुड़गांव को आगे चलते हैं यहाँ पर मेटावर्स टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ऐसा खास नहीं बताया गया जो कि हमें नहीं आता है बाकी फाइव को लाने की बात की गई है यह कि यहाँ पर फाइव को पहले मेजर सिटीज़ में लाया जाएगा अब फाइव जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है लेटेंसी कम होती है डाउन टाउन भी बहुत ज़्यादा कम होता है तो इंडिया ने फाइनली यहाँ पर नाइन आनौ, नाइन अनाउंस कर दी है कि यहाँ पर जो मेजर सिटीज़ है उसमें यहाँ पर फाइव को इंट्रोड्यूस किया जाएगा अब यहाँ पर पिछले कुछ सालों में देखा गया है जो बेटर फीचर्स है वो कम प्राइजेज में मिलने लगते हैं लेकिन पैंडमिक की वजह से ये जो ट्रेंड है ये उल्टा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर चिप की शॉर्टेजेस हो गई है तो ऑलरेडी प्राइजेज ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम बजट स्मार्टफोन्स टू ऑटोमोबाइल्स आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ द चिप शॉर्टेज और ओमिक्रॉन की वजह से चिप शॉर्टेज और यहाँ पर जो सप्लाई इनिशिएटिव्स हैं उसमें यहाँ पर डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से जो प्राइजेज़ हैं फ़ोन के बढ़ सकते हैं तो ये भी हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है अब यहाँ पर ओमीग्रॉन आने वाला है जो फेडरल है फेडरल बैंक है वो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट के चलते जो रेट्स है लोन्स की वो लगातार बढ़ा रही है तो ऐसे में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो ये बताया गया इसमें तो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं भाई गवर्नमेंट्स टू सपोर्ट नेशनल इकोनॉमीज तो नेशनल इकोनॉमीज को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट लगातार कम किए गए थे लेकिन उसकी वजह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बढ़ने लगी इंडिया में इन्फ्लेशन है पर उतना नहीं जितना यू में यू में फोर डेकेड हाई इन्फ्लेशन रेट है उसके बाद यहाँ पर फेडरल रिजर्व ने डिसाइड किया कि हम अपने मंथली एसेट परचेस को कम करेंगे इसके अलावा जो रेट्स हैं उनको हम यहाँ पर दो गुना बढ़ा देंगे तो ऐसे कुछ डिसीजन लिए फेडरल रिजर्व ने लेकिन इंडिया ने अभी तक अपनी अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस ही रखा है अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ सकता है क्योंकि कन्फ्रंटेशन चल रहा है चाइना और वेस्ट के बीच में अगर चाइना और वेस्ट के बीच में कन्फ्रंटेशन चल रहा है इसकी वजह से जो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है हो सकता है वो इंडिया में फ्लो हो तो इंटरनेशनल मैनुफैक्चरिंग फॉर्म्स है वो भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें कि वो डाइवर्सिफाई चाइना से करें और हो सकता है इंडिया में वो अपना प्रोडक्शन सेटअप करें लेकिन इंडिया को उसके लिए अपनी पॉलिसीज को चेंज करने की जरूरत है जो इंडिया में पॉलिसीज़ है वो बहुत अनसर्टेन है पॉलिसीज़ बहुत तेज़ी में चेंज होती है लेकिन नहीं पॉलिसीज़ को यहाँ पर एब्रप्ट नहीं बदलना है इसके अलावा रूल्स को सिर्फ सर्टेन फॉर्म्स को पर फेवर करने के लिए नहीं बनाना है तो ऐसी पॉलिसीज रखनी है कि अगर यहां पर फॉर्म्स डाइवर्सिफाई करना चाहें तो वो इंडिया को अपना एक डेस्टिनेशन चुने तो एज अ रिजल्ट डोमेस्टिक रजल्टोमेस्टिकप्रनर्स एंड फॉर्मल कंपनीज हैव बीन रिलेक्टेड टू अंडरटेक द इन्वेस्टमेंट नीडेड टू एक्सपॉइट इंडिया रैपिडली एडवांसिंग हार्डवेयर तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भी अगर हम यहाँ पर स्किल्स दें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें तो अपने आप ही फॉर्म्स यहां पर आएंगे और इंडिया में मेक इन इंडिया होगा मैनुफैक्चर होगी आगे चलते हैं यहाँ पर तेहरान ने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है सिमोक या फिनिक्स रॉकेट तो ये आप देख सकते हैं सिमोक रॉकेट अहेड ऑफ इट्स लॉन्च तेहरान लॉन्चेस रॉकेट्स बेयरिंग थ्री डिवाइसेस आगे चलते हैं यहाँ पर पाकिस्तान ने पच्चीस फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं चाइना से जो कि जे टेन सी है तो पाकिस्तान फुल स्कॉड्रन ऑफ ट्वेंटी फाइव मल्टी रोल्स जे टेन सी फाइटर जेट्स फ्राम चाइना इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज परचेज ऑफ रफल एयरक्राफ्ट तो जो हमने रफाल लिए हैं फ्रांस से तो उसके लिए यहाँ पर पाकिस्तान ने चाइना से जे टेन सी लिए हैं अब यहाँ पर कनाडा का जो सिविलियन ऑनर है वो यहाँ पे थ्री इंडियन ओरिजिन कैनेडियंस को दिया गया है वैसे इनके नाम इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे आगे चलते हैं अब फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग में स्टेट्स ने बोला है जो जीएसटी कॉम्पन्सेशन मैकानिजम है उसको यहाँ पर पांच साल के लिए और ज्यादा एक्सटेंड कर देना चाहिए और बाकी एक और डिमांड ये है स्टेट्स की जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें यहाँ पर सेंटर को अपना शेयर बढ़ाना चाहिए जो सिक्सट टू फोटी उसको यहाँ पर नाइन्टीज टू टेन कर देना चाहिए तो विद द कोविड पेंडेमिक इंपैक्टिंग स्टेट्स रेवेन्यूज दे हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंसिडर इंक्रीजिंग इट शेयर इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स तो यहाँ पर बोला गया कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो सेंटर है वो अपना शेयर थोड़ा बढ़ाए बाकी यहाँ पर जो जीएसटी उसको और पांच साल के लिए जो जी एस टी कॉम्पेंसेशन उसको यहाँ पर पांच साल के लिए और ज्यादा कर देना चाहिए दो हज़ार छब्बीस सत्ताईस तक कर देना चाहिए बाकी सेंटर इसके ऊपर अभी डिसीजन लेगा स्टेट्स फॉर एट द द कंपाउंडेड रेट ऑफ फ्रॉम बेस ईयर फ्रामी फिफ्टीन तो यहाँ पर चौदह परसेंट अगर यहां पर स्टेट्स के रेवेन्यू नहीं बढ़े तो यहाँ पर स्टेट को कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड होना था जितना भी लॉस हुआ हो जीएसटी के आने के बाद अब यहाँ पर इनिशियली यह पांच साल के लिए था लेकिन अब स्टेट्स की डिमांड ये है कि इसको पांच साल के लिए और बढ़ा देना चाहिए पैनल प्रपोजल टू स्पीड ऑफ रेजोल्यूशन अब यहाँ पर हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी सेंटर ने इसॉलवेंसी एंड बैंक रपसी कोड में कुछ चेंजेस करने के लिए तो पहला यहाँ पर एक चेंज की ये बात की गई कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अगर यहाँ पर किसी भी रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देते हैं उसके बाद जो एन सी एल ई टी वो उसमें तीस दिनों के अंदर डिसीजन ले लें या तो उसको एक्सेप्ट कर ले या तो उसको रिजेक्ट कर ले अगर एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट तो कुछ भी कर रहा है और उन तीस दिनों के टाइम में नहीं कर पाया तो उसको यहाँ पर रिटर्न में देना पड़ेगा कि उस इतना टाइम उसको क्यों लग गया तो इन्सोलवेंसी लॉ कमिटी हैज़ प्रपोज दैट वंस रोजोशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ तो एक बार कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स भी प्रोवाइडेड विद थर्टी डेज तो उसके बाद यहाँ पर एन सी एल टी को यहाँ पर तीस दिन दिए जाएंगे कि या तो अप्रूव करो या तो रिजेक्ट करो रिजोल्यूशन प्लान को विद ट्रिब्यूनल बींग रिक्वयर टू प्रोवाइड रीजन एन राइटिंग अगर ऐसा नहीं कर पाते तो उनको राइटिंग में रीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा क्यों उनको तीस दिनों से ज़्यादा समय लगा इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि जहाँ पर वॉल्टरीली लिक्विडेशन की बात की गई उसमें एन के अप्रूवल की जरूरत ना हो तो आई एल सी प्रपोज द रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल बाई द एन सी एल टी फॉर अ वॉल्ट्री लिक्विडेशन रिमूव एंड दट ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन और मेबर्स रेजोल्यूशन विद अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग टू थर्ड्स एंड वैल्यू ऑफ द डेट भी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस तो बेसिकली यहाँ पर कुछ प्रपोज चेंजेस करने की बात की गई कि जो एन सी एल टी अगर एक बार कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने डिसीजन ले लिया कि यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है उसको तैयार कर लिया तो यहाँ पर जो एन सी वो वो तीस दिनों में डिसीजन ले उस रिजोल्यूशन को या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे लेकिन तीस दिनों के अंदर अंदर ही करे बाकी यहाँ पर अगर वॉलंट्री लिक्विडेशन की बात की गई है तो एन से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत ना पड़े सिर्फ अगर यहाँ पर वॉल्ट्री लिक्विडेशन की बात की गई तो स्पेशल रिजोलूशन के थ्रू ही सारा काम हो जाए और यहाँ पर एन से अप्रूवल लेने की जरूरत ना पड़े ये ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि यहाँ पर रिजोल्यूशन में डेले ना हो और जल्दी जल्दी सारी चीजें यहाँ पर वाइंड अप हो सके तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए फिर लाइक द दूड दैन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड स्टे